मिस अग्रवाल मेरे कैबिन में आएंगे प्लीज। या कम इन, हैव अ सीट। सर अंकल कैसे हैं? अब उनकी तबीयत ठीक है? हाँ, इज गुड थैंक्स टू यू। एक्चुअली मिस अग्रवाल मुझे एक फेवर चाहिए था आपसे। हम अपनी कंपनी के लिए एक एड कैंपेन बना रहे हैं और उसके लिए मुझे आपके आइडियाज की जरूरत है। मेरे आइडियाज? बट सर मैंने फिल्म मेकिंग का कोई कोर्स नहीं किया है और ना ही कभी कोई फिल्म बनाई है। हाँ मुझे फिल्में देखना पसंद है बट इंटेलेक्चुअल। शुरू है ना वो कोई भी फिल्म देख लेती है, उसको सिर्फ पॉपकॉर्न। कैन आई टॉक? देखिए मुझे लगता है कि आप इस कंपनी की वैल्यूज को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। बाकी सबको ये कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नजर आती है, पर आपको एक इंसान। जिस तरह आपने इस कंपनी के इंटीरियर्स अपने दिमाग की जगह दिल से किए, मैं चाहता हूँ कि वैसे ही आप कुछ दिल से सोचें। सर सुनने में तो अच्छा और इजी लग रहा है, मैं ऐसे ही घबरा गई थी। ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर यू कैन डू इट। सी व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे आपके लिए फैमिली वैल्यूज बहुत मैटर करती, मेरे लिए भी, उस कंपनी के लिए भी। थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं क्या? मैं चाय पी लेती हूँ, देन वी कैन गेट बैक। ओके। आप कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू। एक्चुअली मिस अग्रवाल इट्स क्वाइट लेट। एक काम करते हैं, हम कल डिस्कस करते हैं। ओके या सर, दैट बी ग्रेट। एक्चुअली मेरी तो बत्ती गुल हो गई है, 10 बजे के बाद ना मुझे नींद आने लगती है। बाय सर। अरे इलेक्ट्रिसिटी को क्या हुआ? ओह गॉड सब मैं देख के आती हूँ। मिस अग्रवाल आर यू ओके? फाइन। मिस अग्रवाल क्या हुआ, आर यू ओके? क्या क्या कर रही है? सॉरी आई एम फाइन। आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। आराम से। 1 second, my bag, sir. Are you okay? आराम से, okay? Follow करिए मुझे। क्या कर रही हैं आप? सॉरी सर। आराम से प्लीज। आई एम सॉरी। मिस अग्रवाल रुकिए, आराम से। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। आप
क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी